तो दोस्तों स्वागत है RC22 के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों ये DTC में मैच लगा था प्लेटिनम 5 के बंदे के साथ, और सबसे बड़ी बात थी कि ये मैच लंदन के ग्राउंड में हो रहा था। और टॉस जीत के भाई हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। गुरबाज और दीपक हुड्डा बल्लेबाजी के लिए आए। पहली गेंद यहाँ पे फुलर लेंथ पे बॉल थी और पीछे गोल शॉट लगा के चौका यहाँ पे मिल गया था। लंदन में जो पीछे का ग्राउंड होता है भाई वो बड़ा होता है थोड़ा, इस बार भाई वहीं, लेकिन भाई हमने और एक और ज़बरदस्त गोल्ड शॉट के साथ यहाँ पे हमने चौका ले लिया था। लगातार दो बॉल पे दो बाउंड्री आ चुकी थी। तीसरी गेंद यहाँ पे थी और इसको भाई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में भाई ये गेंद डॉट हो गई थी। खैर तीसरी भाई फुलर लेंथ पे ही बॉल कर रहे हैं भाई, और इस बार भी हमने 226 शॉट लगा के भाई चौका बटोर लिया। यहाँ पे चार गेंदें हो चुकी थी भाई, इस बार फ्लिक किया और बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए। भाई ये शॉट आप खेल सकते हैं भाई यॉर्कर और फुलर लेंथ के बॉल के लिए। लंदन के ग्राउंड में इसके बहुत ही हेल्प होता है भाई, क्योंकि साइड के ग्राउंड छोटे होते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे एक और शॉट लगा के दोस्तों, ये फ्री शॉट है, इस बार भी फुलर लेंथ पे बॉल है और फ्लिक किया है भाई, लेकिन इस बार फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं है और चौका निकल जाएगा यहाँ पे। और अब तक भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, एक भी विकेट नहीं गया था, और पावर प्ले के दो ही ओवर में भाई हमने 27 रन स्कोर कर दिया था। अभी भी भाई यहाँ से चार गेंदें बची थी, इस बार भाई फुलर लेंथ पे बॉल और बढ़िया अंदाज में फ्लिक किया भाई। फ्लिक पे छक्का जाने का बहुत ही पॉसिबिलिटी रहता है भाई, क्योंकि भाई छोटी ग्राउंड रहती है इस साइड में। और इस बार भाई मुझे लगा था आर्म बॉल आएगी, लेकिन बॉल सीधी रह गई टॉप स्पिन। और इस बार भाई बढ़िया शॉट है भाई, फील्डर मौजूद नहीं है तो चौका जाएगा भाई इस शॉट पे। बढ़िया चौका यहाँ पे मिल गया भाई, 39 रन बन चुके हैं अब तक। और भाई इस बार देखते हैं भाई मिचेल सैंटनर की बहुत ही बढ़िया शॉट पे यहाँ पे खेला है भाई, सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर। भाई सेंटनर की अच्छी कुटाई चल रही है भाई, गुड लेंथ पे बॉल और ये भी शॉट बढ़िया है। टाइमिंग भाई इस शॉट में टाइमिंग चाहिए भाई, टाइमिंग लगी तो भाई हो गया, 6 रन है ही। चलिए 52 रन आ चुके हैं अब तक भाई बिना विकेट को। इस बार भी फ्लिक किया है बॉल बाउंड्री के बाहर, मीडियम गेंदबाज है। और भाई इस बार चौथी गेंद इसको भी फ्लिक किया है और ये भी जाएगा 6 रनों के लिए। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया छक्का लगा था भाई। इस बार भी गुड लेंथ पे बॉल और बहुत बढ़िया भाई, ये भी फ्लिक शॉट है भाई। लगातार पिट रहे हैं इस लाइन पे, लेकिन गेंदबाजी छोड़ नहीं रहे हैं। इस बार भाई अच्छा शॉट खेला है, लेकिन शायद यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं है और एक ही रन आ पाएगा भाई। 73 रन बन चुके थे भाई, अच्छा खासा इस बार दूसरे रन की कोशिश, लेकिन भाई हमने बैक किया लास्ट मोमेंट पे। इस बार देखते हैं भाई, ए भाई चौथी गेंद बहुत बढ़िया पुल शॉट भाई, बहुत ही तगड़ा अंदाज में खेला 6 रनों के लिए। भाई क्या बात है भाई, इस बार भाई बढ़िया शॉट, लेकिन टॉप एज लग गया भाई, क्या बोले भाई, एज लगा हल्की सी और बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, क्या किस्मत है भाई। और इस बार भाई टाइमिंग और पहला विकेट भाई हमारा गिरा आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर भाई, और हमने स्कोर कर दिया था 83-84 पे जीत थी भाई। स्कोर कम नहीं थी, लेकिन प्लेटिनम 5 का बंदा था तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। इस बार वही वाइड एयर करते शुरुआत, और यहाँ पे भाई पहले ही बॉल पे ही सफलता मिल गई भाई। निशर जो कि भाई मीडियम गेंदबाज हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास स्लोअर वंस है, और देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छी गेंदबाजी चल रही है भाई। पहली बॉल पर विकेट, और इस बार दूसरी गेंद को भाई टाइम नहीं कर पा रहा है भाई। टाइम करना इनको बहुत मुश्किल होता है भाई, क्योंकि स्लोअर वन और स्ट्रेट, और ऊपर से ये मीडियम गेंदबाज हैं। और ये देख लीजिए भाई क्या बात है, क्या ही मतलब बॉलिंग हो रही थी भाई, वाइड एयर करके फंस रहे थे, और लगातार मैं वाइड एयर करके इन कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भाई बढ़िया शॉट है भाई ये, और गैप में है तो चौका मिल जाएगा भाई। ये शॉट आप खेल सकते हैं वाइड एयर के खिलाफ, और इस बार भाई बहुत बड़ा छक्का भाई ये, बहुत बड़ा 6 रन भाई। फ्री शॉट है भाई एयरकर के लिए, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस बार बीट हो गए हैं भाई, इस बार बीट हो गए हैं भाई। देखते हैं भाई चौथी गेंद फ्लिक किया है बहुत बढ़िया हवे में बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। भाई क्या बात है भाई, इस बार भाई देखते हैं गुड लेंथ पे बॉल थी और खेल दिया है चौके के लिए भाई, और इस ओवर में अच्छी कुटाई हो गई भाई। और इस बार भाई अच्छा शॉट है भाई, गैप में जाएगा चौके के लिए भाई, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अब। पहले तो लगा था भाई अच्छे रन नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे भाई। प्लेटिनम पे ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है भाई, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। चलिए इस बार 6 रनों के लिए भाई खेल दिया है, गुड लेंथ पे भाई अच्छी पिटाई चल रही है, तो इसलिए मैंने भाई पैरों पे एयर कर करा था, और भाई अच्छे से टाइम नहीं हो पाया और एक आसान सा कैच दे बैठे हैं यहाँ पे, और विकेट मिल गया भाई। इस बार भाई गुड लेंथ पे बॉल फ्लिप पर दी और डॉट हो गया यहाँ पे संदीप लामी छाने की बॉल वाइड एयर के साथ। शुरुआत इस बार बहुत ऊंची गई है गेंद, और शायद 6 रन जी नहीं, ग्राउंड बहुत बड़ी है भाई इस साइड की, चौका यहाँ पाएगा। गुड लेंथ इस बार भी है और डॉट हो गए यहाँ पे भाई, गुड लेंथ पे धीमी गेंद वाइड एयर कर, और इस बार भाई जी हाँ टाइमिंग नहीं हो पाया और एक आसान था कैच भाई। आखिरी ओवर चल रहा है भाई, और देखते हैं भाई 34 रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन नहीं भाई, लगातार दो बॉलों पे दो विकेट आ चुका है भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी भाई। तीसरी यहाँ पे चौथी गेंद पे भी विकेट भाई, लगातार हैट्रिक विकेट भाई, क्या बात है भाई, क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे, तीन बॉलों पर तीन जबरदस्त विकेट मिल गए भाई। इस बार देखते हैं भाई बहुत बड़ा चाहेगा यहाँ पे, बहुत बड़ी शॉट है, लेकिन भाई ग्राउंड भी उससे बड़ा है भाई, चौका ही आ पाएगा। और इसी के साथ
25 रन से हमने प्लेटिनम 5 के बंदे को मात दे दी है। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का।